तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 का जो पोएम दिया हुआ है, द डस्ट ऑफ स्नो। तो ये रोबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। ये एक पोएम है जो कि 8 लाइंस का है। देखिए 8 लाइंस इसमें है, बट इट इज़ अ वन सेंटेंस्ड पोएम। ठीक है, ये 8 लाइंस है लेकिन ये वन सेंटेंस्ड पोएम है। कैसे, तो रुकिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तो ये यहाँ पे आपको कहीं भी बीच में फुल स्टॉप दिख रहा है क्या? देखिए कहीं भी नहीं, यहाँ पे एकदम लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक वन सेंटेंस है, राइट? भले इसमें लाइन कितने भी हो पर ये सेंटेंस वन है। देखिए, क्योंकि फुल स्टॉप लास्ट में दिया हुआ है, तो हम लोग ने तो यही पढ़ा है कि जब फुल स्टॉप लास्ट, जहाँ फुल स्टॉप होता है वहीं एंड होता है। इसलिए इस स्टोरी का एंड एक लाइन में है इस सब पोएम का, बट इट इज रिटन इन 8 लाइंस। ओके, तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करेंगे रीडिंग करना। तो देखिए, द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो ये आपको क्या कह रहा है इस 4 सेंटेंस में, कि एक क्रो है जो शॉक डाउन ऑन मी, जो देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया एक ड्राइंग, घटिया सा ड्राइंग है बट ठीक है, समझने लायक है, क्योंकि एक पोएम को आप इमेजिनेशन करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, राइट? तो ये एक क्रो है जो कि शॉक डाउन, एक ये जो ब्रांच है, हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस प्लांट, ठीक है, जो कि ठंड में पाया जाता है। यहाँ पे बोला भी गया है कि स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, मतलब स्नो कहाँ होता है, तो ऑब्वियसली इन स्नोई एरिया या तो विंटर प्लेस पे, राइट? तो ये क्रो जो होता है वो शॉक करता है, मतलब वो ऐसे एक ब्रांच है उस पर वो क्रो बैठा है, एंड वो क्या करता है, वो क्रो क्या करता है, वो उड़ने का कोशिश करता है। तो वो ऐसे जंप जो होता है ना, तो वो हिलता है वो ब्रांच, या तो उड़ने का कोशिश करता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है हिलते हिलते, तो वो ब्रांच हिलने लगता है। तो उस ब्रांच पे जितने भी स्नो रहते हैं ना, डस्ट ऑफ स्नो, मतलब स्नो पहले ही गिर चुका है लेकिन वो थोड़े मोड़े जो स्नो रह गए वही जाकर, देखिए ये पोएट है जो कि है रोबर्ट फ्रॉस्ट, तो उसी के सर पर जाके, ये तो कंधे पे जाके गिरता है ये, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये गिरता है तो वो उसका मूड जो होता है ना, वो चेंज हो जाता है, वो कुछ और सोचता है और कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको आगे क्या दिया हुआ है, एक मिनट इसे मैं रब कर देती हूँ। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I doed. तो ये क्या होता है कि जैसे ये गिरता है ना स्नो इसके सर पे या तो देह पे कहीं भी गिरता है, तो उसका जो एक सोचता है वो कुछ नेगेटिव थॉट सोचता होता है, ठीक है, और उससे क्या होता है उसका चेंज होता है, हो जाता है मूड। पहले वो कुछ और सोचता है, उसके बाद अब जैसे ही वो गिरता है उसके शोल्डर में वो डस्ट ऑफ स्नो, तो वो उसे हटाने के चक्कर में वो सब भूल कर जो वो सोचता है वो नेचर के बारे में सोचने लग जाता है, कि कैसे एक क्रो ने, जो कि क्रो क्या होता है, हम एक नेगेटिव मानते हैं क्रो को, कि क्रो देख लिया आज तो बुरा दिन जाएगा, लाइक दिस, क्योंकि क्रो इज़ अगली। देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ यूज़ किया गया है ना, इट इज़ नेगेटिव थिंग, अ क्रो नेगेटिव। डस्ट यूज़ किया है, डस्ट इज़ अ सच अ नेगेटिव थिंग, राइट? डस्ट कितना गंदा होता है, जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं ये कितनी डस्टी प्लेस है, राइट? यहाँ मैं नहीं बैठूंगी, डस्ट हटाओ, ये सम लाइक दस्ट, ठीक है। तो डस्ट इज़ अ नेगेटिव वर्ड, देन हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, तो यहाँ पे डेथ हो सकता है, राइट? तो ऐसा उसने क्यों यूज़ किया है पोएट ने, रोबर्ट फ्रॉस्ट ने, तो बिकॉज इट इज़ अ यूनिक पोएम, ठीक है, ये बहुत ही यूनिक पोएम है। एक तो ये पहला कि ये एक सेंटेंस में पोएम है, पूरा एक सेंटेंस है ये, और उसमें भी इसने नेगेटिव वर्ड को यूज़ करके एक पॉजिटिव थिंग कर दिया है। उस तीनों नेगेटिव थिंग ने पोएट का मूड बदल दिया, जो कि नेगेटिव ही सोच रहे थे बट पॉजिटिव में बदल दिया इन तीनों ने मिलके, ठीक है। और उनके पूरे लाइफ का जो पार्ट था, उनका जो टाइम था जो वेस्ट हो रहा था वहाँ पे बैठ के वो सब सोचने में, वो बच गया, ठीक है। तो सेव्ड सम पार्ट ऑफ माई ऑफ अ डे आई रूड, तो रूड का मतलब है जो वो सोच रहा था, जो वो थिंकिंग कर रहा था नेगेटिव थॉट्स, उससे वो बच गया,
तो ये स्टोरी, ये बस पोइम इतना ही था कि इसमें एक क्रो है जो कि एक हेमलॉक ट्री पे रहता है, यहाँ पे एक क्रो है जो कि हेमलॉक ट्री पे है, राइट। और उसके बाद वो, एक मिनट, ये क्रो जो हेमलॉक ट्री पे है वो बैठा है और वो शेक करता है, शोक करता है, और उसके बाद वो डस्ट ऑफ स्नो जो होता है वो पोएट के सर पे या तो देह पे कहीं भी लग जाता है, उसकी वजह से पोएट उसे हटाने के चक्कर में जो वो थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग रख रहा था उससे हट के, नेगेटिव जो थॉट्स था उससे हट के वो पॉजिटिव में हो जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है उसके थॉट्स, ठीक है। तो यही इसमें बताया हुआ है कि वो पॉजिटिव थिंकिंग करने लग जाता है, जबकि इस पोएट में 3 नेगेटिव चीज़ें यूज़ की गई हैं, क्रो, डस्ट, फिर ये ट्री, हेमब्लॉक ट्री विच इज़ अ पॉइजनस ट्री, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ जो कि नेगेटिव है वो मिलकर पोएट को डे पॉजिटिव कर दिए हैं, ठीक। तो ये डस्ट ऑफ स्नो बस इतना ही था। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हेमब्लॉक ट्री पॉइजनस गैस है, फिर ये रूड हेल इन रिग्रेट, मतलब रिग्रेट के बारे में जो सोच रहा था उससे उसका दिमाग हटा दिया गया, उसका जो पूरा टाइम वेस्ट हो रहा था वो वही उसको ने हेल्प किया बाय शोक डाउन, वो ट्री पे जो शोक किया उसने ब्रांच पे उससे मदद किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, ये 3 हैं। उसके बाद एक नया ये है जो कि है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, पहले इसके देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, द पोएम प्रेजेंट अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज़ अ लॉन्गर सिग्निफिकेंस, कंपेयर दिस अदर कोइंसिडेंस फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंट, अ लिटिल थिंग टच अ लार्ज थिंग। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस पोएम में आपको यही बताया गया है कि क्या आप, हमें अपनी लाइफ में ये नहीं सोचना चाहिए थे कि ये नेगेटिव थिंग है, नहीं इससे नेगेटिव ही होगा, ऐसा नहीं है। नेगेटिव थिंग भी मिलकर आपके लिए, आपके ज़िंदगी में पॉजिटिव ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो, जो ये पोएम है, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएम से हैज़ चेंज हिज मूड, व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड, How did the poet's mood changed? तो यहाँ पे आपको लिखना है कि what does the dust of snow? तो dust of snow यही होता है जैसे कि बहुत बारिश हो चुकी है पहले ही और उसके बाद जो स्नो का डस्ट आता है, राइट, तो उसे हम डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं, जो जम जाता है कहीं कहीं पेड़ों पे, एक्चुअली ज़्यादा रहता है उसके बाद। what does the poet say has changed his mood? उसका मूड चेंज कर दिया, वो डस्ट ऑफ स्नो ही मूड चेंज कर दिया, क्योंकि वो जब पोएट की देह पर गिरता है तो बॉडी पे जब गिरता है तो वो उसे हटाने के चक्कर में अपना मूड जो नेगेटिव सोच रहा था उससे पॉजिटिव में आ जाता है, इसलिए उसका मूड भी चेंज हो जाता है, राइट। हाउ हैज़ द पोएट मूड्स चेंज, पोएट्स का मूड उसी से चेंज हुआ है जैसे कि द क्रो शॉक्ड, जब द क्रो वॉज शेकिंग द ब्रांच ऑफ द हेमलॉक ट्री, देन द स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन पोएट्स बॉडी एंड by for removing that dust of snow the poet changed its moods from, तो वो वही चेंज कर लेता है अपने मूड्स पॉजिटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव मूड में आ जाता है, राइट, गुड मूड में आ जाता है और अपने पूरे टाइम को बचा लेता है, रेस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। हाउ डज द फॉरेस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम, तो फॉरेस्ट यहाँ नेचर को कैसे प्रेजेंट कर रहा है पोएम में। The following question may help you to think the answer. What are the birds that are usually named in poem? तो what are the birds that are usually named in the poem? तो वो है crow. Crow ही है ना, जो ये तो direct आपको दिया हुआ है कि crow इस poem में use हुआ है, ठीक है। ओहो मैं गलत लिख दी, एक मिनट। तो क्रो वो बर्ड है जो इस पोएम में यूज़ हुआ है। डू यू थिंक क्रो इज़ ऑफन मेंशन इन पोएम, हाँ बिल्कुल यूज़ हुआ है। व्हाट इमेज केम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट अ क्रो, तो क्रो मतलब एक ब्लैक नेगेटिव बर्ड है, वो एक अगली बर्ड है, लाइक दिस आपके दिमाग में ये सब आता होगा, ठीक है। एंड इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी नहीं लगती है, कान को सुनने में रूड लगती है,
अगेन वॉट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? इट इज अ पॉइजनस ट्री, इट इज अ पॉइजनस प्लांट. Why doesn't the poet write about a more about the beautiful trees such as a. अच्छा तो पोइट ने हेमलॉक ट्री ही क्यों यूज़ किया है? उसने किसी और ट्री को क्यों यूज़ नहीं किया? इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे वो दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव थिंग्स जिसे आप नेगेटिव सोचते हैं, जैसे कि क्रो इज अगली तो वो आपके लिए अगली होगा, वो आपके लिए नेगेटिव ही होगा. एक हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री तो वो आपको पॉइजन ही देगा, वो आपको बस मार सकता है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है. इसीलिए उसने एक नेगेटिव ट्री को भी यूज़ किया है. ठीक है. Why do the crow and the hemlock represent? What do? तो ये क्या represent कर रहा है? ये दोनों चीज़ negativeness represent कर रहा है. Joy और sorrow. Obviously sorrow. Joy जैसे तो joy भी है पर वो poet के लिए है. पर यहाँ पर जो ये represent कर रहा है वो है joy. Poet poem के लिए. But ऐसे it is a sorrow. क्योंकि हम लोग के दिमाग में हम लोग का इंटेंशन ही अब ऐसा हो गया है कि हम हमारी ऐसी एक रीत हो गई है, रीति रिवाज ही हो गई है कि क्रो इज़ अ नेगेटिव थिंग, हेमलॉक ट्री इज़ अ नेगेटिव थिंग. ठीक है. व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर? डस्ट ऑफ स्नो किस लिए स्टैंड होता है? डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे स्टैंड होता है उसी के लिए स्टैंड होता है, जैसे कि एक नेगेटिव डस्ट क्या है, नेगेटिव वर्ड है. ठीक है. एक मिनट. डस्ट इज़ अ नेगेटिव वर्ड राइट, बट वो पोएट के ऊपर गिरकर उसे एक पॉजिटिव थिंग में बदल देता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल देता है. वो एक पोएट का पूरा लाइफ मतलब पूरा टाइम बचा लेता है जो वो गलत सोच रहा था. ठीक है. रिग्रेट कर रहा था अपने पास्ट को, उससे वो बचा लेता है वो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिर कर. राइट. हैव थ्री बीन टाइम when you felt depressed or hopeless, have you experienced a similar moment? तो ये आपको अपने मन से लिखना है कि क्या आपने ऐसा कभी फील किया जैसा इस पोएम में बताया गया है, जैसा रोबोट फ्रॉस्ट ने फील किया है. तो आप लिख सकते हैं अपने डायरी में, सॉरी अपने नोटबुक में. इन सब का मैं आपको एक वीडियो में अच्छे से भी लिख कर दिखाऊँगी. अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपको लिखना है. अगर आप चाहते हैं कि इसका वीडियो मैं आपको भेजूं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वरना मैं नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही रहने दूंगी. आप लोग अपने से बनाकर लिख लीजिएगा. ठीक है. थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.